हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उदयपुर की तर्ज पर सिरोही को भी तालाबों की नगरी बनाने के उद्देश्य से गत मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत 7 तालाबों का चयन करते हुए लाखों रुपए खर्च कर युद्ध स्तर पर खुदाई की गई, जिसमें कमेटी और नव प्रतिनिधियों से लेकर आमजन का भी सहयोग मिला। लेकिन अचानक बारिश से लबालब तालाब भरने के बाद फिर कभी भी इन तालाबों की ओर मुड़कर नहीं देखा गया, जिसके चलते आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने को मजबूर है। इन तालाबों को लेकर सोशल मीडिया पर भी जमकर राजनीति करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं है जो सिरोही से लेकर तालाबों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं पर इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इन तालाबों को लेकर अतिक्रमण की चिंता बनी हुई है। इन तालाबों पर नजर डालें तो जहां हर वर्ष ये तालाब भरने के बावजूद इनकी अनदेखी होती आई है, वहीं दूसरी ओर तालाबों में रसूखदारों के अतिक्रमण का सवाल आज भी बना हुआ है। आज इतिहासकालीन तालाब पूरी तरीके से रसूखदारों के चपेट में है, लेकिन इसे लेकर कोई भी सुध न लेना इस तरफ इशारा करता है कि जिम्मेदारों पर सवाल उठाना लाजमी है। इतना ही नहीं, आज वर्तमान तालाबों की भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें तो आज लाखे लाभ तालाब, दुधिया तालाब और कालकाजी तालाब पूरी तरीके से भरकर सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेदार और तालाबों की नगरी बनाने वाले मौन है। ऐसे में जरूरत है कि इन पर ध्यान देकर इनका कायाकल्प करें, वरना ये आने वाले समय में कचरे के ढेरों में समाया हुआ मिलेगा। जागरूक टीवी के लिए सिरोही से दिलावर सिंह गोहिल की रिपोर्ट।